यार आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जब भी हमें कोई छोटा सा भी ट्रैवल करना होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं स्नोबेल को, आई डोंट नो कैसे समझ में आता है, क्या वर्ड समझ में आता है, तो उससे पहले ही वो उदास होकर बैठ जाती है. कभी कभी तो उसे इतनी एनजाइटी हो जाती है कि वो लाइक लिटरली शी थ्रोज अप. हमें कहीं जाना है ईद के, लाइक ईद के सेकेंड डे, और स्नोई ने जब से ये सुना है वो उदास है. आई डोंट नो ये कैसे है, इसको कैसे पता चलता है, इसको वर्ड्स उर्दू के कैसे समझ में आते हैं इंग्लिश के, आई डोंट नो. बेबी मेरा बहुत उदास है, वो जो बॉल पड़ी है उसके साथ मैंने खेलने की कोशिश की, मैं आपको खेल के दिखाती हूँ. उस पर भी वो गुस्से में आ गई कि भाई लाइक छोड़ दो मेरा पीछा, मुझे नहीं खेलना. ये देखो स्नोई, जानू जानू प्लीज मामा के साथ खेल लो. इतनी उदासी, इतनी उदासी. इसकी ना बॉडी लैंग्वेज में पता चल जाता है कि उदास बैठी है. पहले अपना ये वाला पॉप भी उसने अंदर रखा हुआ था, बिल्कुल उदास बैठी हुई थी. आई थी मेरे पास सुबह में प्यार व्यार किया, मगर बिल्कुल म्यूट. सुबह तबीयत हमने चेक की, तबीयत सही है मुन्ने की, लेकिन इमोशनल तबीयत ज़्यादा सही नहीं है. जानू आज मामा जल्दी आएगी, फिर पूरा टाइम आपके साथ रहेगी. नॉट हैप्पी. ये देखिए दुम से कम्युनिकेट होता है. आर यू मैड एट मी सुबेल, आप नाराज हो जानू? ओ माय गॉड, गुस्से में हो? मामा खेल सकती है आपके साथ? बहुत गुस्सा इस लड़की को. ये स्नोई जो है वो एज यूजुअल आबिद की चेयर पे बैठ जाती, कपड़ा सिला रहा है. मुझे कुछ काम करना है, प्लीज उठ जाओ जानू, प्लीज 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 उठे 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 उठे. आ जा मामा के पास, सोती रहती गेट अ जॉब यार. अरे वो बेचारी वैसे चुप है, वो नाराज है हमसे ऑलरेडी, उसको तंग करो. चुकी चुकी ऐसी बोलते रहते हैं, ये कान से सुन दूसरे कान से निकाल दे यार. आजा जी. ये मैं लेके जा रही हूँ कल के लिए. आज वाला तो मेरा आउटफिट ऑलरेडी है पिंक कलर का जी डॉट. दिस इज नॉट जी डॉट, दिस इज सबलाइम ट्रेंड्स जो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा था. और इसके नीचे ना एक क्या कहते हैं, लहंगा कहते हैं, सुई क्या कहते हैं जानू? नॉट इंटरेस्टेड. लहंगा शरारा टाइप सिचुएशन है, नॉट शरारा यार, कुछ नाम होता है उसका, लहंगा ही होता है, लहंगा ही होता है. हाँ लहंगा लहंगा है इसके नीचे. एंड मैंने कहा बहुत ही चांद रात टाइप सीन है, ग्रे कलर का इसका दुपट्टा है. और नीचे वाले जो दो हैं ये भी मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताती हूँ, अगर एक और ईद का हमें दिन मिल गया तो मुझे ये पहनना होगा, अदरवाइज मैं ये दोनों वापस कर दूंगी और ये पहनूंगी बहुत शौक से. बाय द वे ये सारा सामान मैं कल लेके जाऊंगी. ये हमारी जो सकीना है उनका प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट जहाज़ेब का बिकॉज ही लव्स चॉकलेट्स, एंड ये प्रेजेंट है हमारी मूना बाजी का जिन्होंने रोज़ मेरा मेकअप किया है बिकॉज एक बॉन्डिंग हो जाती है आपकी ऑफकोर्स पूरा, तो लाइक हर दिन आप उनके साथ होते हैं. उन घर वालों से एक्चुअली ज़्यादा बात उन लोगों से हो रही होती है बिकॉज यू नो मतलब टाइम हम इतना स्पेंड करते हैं. तो ये सब उनके लिए कल लेके जाऊँगी, आज सिर्फ ये लेके जाऊँगी. सो लेट्स गो. अब ईद के करीब का टाइम है तो आई वाज थिंकिंग अबाउट बिरयानी. बिरयानी मैं कल बनाऊँगी, मैं सरप्राइज देने वाली हूँ. हेलो How are you? This dinosaur! You're yours. Go, let's go. Bye, Niall. Bye. Bye-bye. अभी इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनमें से मेरी कौन सी है? I have no clue. सारा सामान पकड़ के मैं खड़ी हुई हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे गेट से ही बोल दिया कि मैं आ गया हूँ. आई थिंक उनको वहाँ पे टाइम लग रहा है कि आती है ना, जब तक मैं आपको ये फ्लावर्स दिखाती हूँ. स्प्रिंग बाय द वे, आई थिंक ये वैसे स्प्रिंग का सीज़न है. रास्ते में हमें इतने प्यारे प्यारे जो है वो फ्लावर्स दिख रहे होते हैं. आज का दिन अगेन काफ़ी मज़ेदार है, मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज क्या होने वाला है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं. ऑल्सो डू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गाइज कैन नेवर मिस एन अपडेट. अच्छा जी, हो ये रहा है कि बस मैं ट्रांसमिशन करके आऊँगी. ट्रांसमिशन में मैं बना रही हूँ आमंड कैरमल खीर. जब भी ईद आती है हर कोई रिक्वेस्ट करता है शीर खुरमा खीर, शीर खुरमा खीर. और मुझे ये होता है कि यार शीर खुरमा जो है ना वो हर घर में बनता है, ठीक है. सो बनाना सिखाने में भी मुझे उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि मैं सोचती हूँ ये तो हर एक को आता है. मैं कुछ ना कुछ चाहती हूँ कि मेरी रेसिपी में कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर हो, मेरी अपनी उसमें कोई टच हो. सो मैंने सोचा कि मैं खीर बनाऊँगी और खीर में मैं आपको
चीनी को कैरमलाइज करना बादाम के साथ सिखाऊंगी। मैं बेसिकली एक डिज़र्ट बनाती हूँ आमंड कैरमल, और उसमें ना बादाम के साथ क्रंच वाली जो कैरमल होती है वो बनती है। उसके साथ हम बनाएंगे खीर टू वेज, एक क्रंची वाली एक नॉन क्रंची वाली। तो मज़ा आने वाला है आज बहुत, मुझे रेसिपी ये वाली बहुत मज़े की बनती है। हारून भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। हारून भाई का मतलब है कि एआरवाई आ चुका है गाइस, एंड ये हारून भाई कल का है। ओके, एआरवाई आ चुका है, अब मैं जाऊंगी, तैयार होंगी और उसके बाद आप सुनूंगी। चेंज मैंने कर लिया है, दिस इज़ अगेन जे डॉट, और ये भी उनकी कलेक्शन में से है। इसका काम मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, द कलर इज़ रियली कूल। और ये यहाँ पे दिखाते हैं पूरा जो है ना, ये इसके आर्म्स पे काम हुआ हुआ है। आई एम वेयरिंग अ साइज मीडियम, आप फो स्मॉल भी ले सकते हैं, लार्ज भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज भी ले सकते हैं। इसके बस यहाँ से अभी हम बटन्स बंद करेंगे। अंदर मैंने बाय द वे इसके लिए लाइनर पहना हुआ है, मैं इसलिए हमेशा बताती हूँ, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ लॉन का जोड़ा, लाइनर के बगैर वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, और ये हर लॉन के साथ है बाय द वे। सो ऑलवेज वेयर अ टैंक टॉप लाइनर इन साइड, और बेज कलर का या वाइट कलर का, मैंने वाइट पहना हुआ है इसके नीचे। एंड देन ट्राउजर्स का ऐसा है, दुपट्टा मैं दिखा देती हूँ एंड उसके बाद हम करेंगे हमारी दुपट्टा सेटिंग। ये चुनरी, चुनरी कहते हैं ना, हाँ चुनरी का दुपट्टा है। ये जो लड़का है इसने बहुत मेहनत से ये टोंग किया है, ठीक है, ये मेरा दर्द सुने आप जिंदगी का। और ये कह रहा है कि भाई इसको पिन नहीं करना, मुनापा। अब मुनापा कह रही है कि अगर पिन नहीं करेंगे तो आप जरा नीचे झुके। अब मेरा काउंटर नीचे है, मैं लंबी हूँ यूँ। अब हम बना रहे हैं गाइस खीर, खीर। और फिर आप लोगों ने जो गाल, आप लोग तो खैर मतलब कुछ लोग को तो बस इंतजार कर रहे होते हैं कि जिंदगी में किसी की कुछ इतना सा वो हो जाए तो वो आ जाते हैं। सो लेकिन आई अंडरस्टैंड कि देखिए कुकिंग के टाइम मैं भी ऐसे घूंघट उठा के तो कुकिंग करना चाहती हूँ। जहाँ से आपको हम बहुत अफसोस के साथ ये बताते हैं कि आपके इस मेहनत वाले बालों को भी हम पिन करेंगे, वो तो मुनापा ने करना ही खराब, हाँ, तो हम पिन करेंगे ताकि ये शक्ल पे ना आए। और तो करना है, इसीलिए मैं काम कर लूं, तो करना ही है खराब। ना खराब नहीं है, वो सही कर रही है, वो पिन लगा रही है, वो इसलिए लगा रही है कि मुंह पे ना आए। गाइस तो ये होता है, ये आप समझ आया, समझा सकते हैं तो प्लीज समझा। हाँ ये जहाँ से सब समझाने की कोशिश मत करिएगा, फिर ना आप लोग उल्टा समझ जाएंगे। बाय बाय। इन पुर्जों के बगैर हम नहीं कर सकते ट्रांसलेशन, नहीं हो सकते। ऑल्दो मैंने कल वो वसीम मुताबिक को कहा, मैंने कहा आपके ये कान में से निकल जाता है, मेरे तो निकल जाते है। कहता है 27वें रोजे को आपको याद आ रहा है। नहीं, याद नहीं आ रहा, मैं रोज ट्राई करती हूँ कि वो बस कान से ना निकले। रोज निकल रहा होता है मेरे कान। रेडी मैं हो चुकी हूँ, दुपट्टा लग चुका है। अब सबसे पहले मैं किचन में जाऊँगी, मुझे पहले ना आमंड कैरमल बना कर रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 मिनट में तो टाइम नहीं होगा। बनाऊँगी उसको कैरमलाइज करके जमाऊंगी, फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसको क्रश करूँगी। ये करना है मुझे ट्रांसलेशन से पहले, ताकि वो लुक मैं आपको दिखा पाऊँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ। खीर का, ठीक है, ये मैंने किचन में यहाँ आके आलमंड कैरमल का कैरमल बना के रखा है। अभी आके इसको क्रश करके देंगी और इसको मैं आपको दिखाऊँगी।
सारी चीजें टाइम पे हो गई। मैं सोच रही थी वो क्या, हाँ कि वो कैरमल आपको दिखेगी या नहीं, वो भी दिख गई। एंड बस अब मैं हो गई हूँ ट्रांसमिशन से फ्री। और कल गाइस मैं देने वाली हूँ इन दोनों को सरप्राइज बाय मेकिंग बिरयानी। एंड ऑफ कोर्स वो हम पहले से बना के रखेंगे ताकि खाने के काबिल हो, खाने वाली बिरयानी हो। और वो घर से बना के लेके आऊँगी बिरयानी का मसाला, यहाँ आके मैं चावल उबालूंगी। तो कल का प्लान ये है, अब देखें कल का प्लान कितना अच्छे से एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। और फिर अगर परसों ईद है तो फिर तो दैट्स इट। लेकिन अगर परसों ईद नहीं है फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं शीर कोरमा बनाऊँ लेकिन किसी वेरिएशन के साथ बनाऊँ। अब वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या वेरिएशन हो सकती है शीर कोरमे की अगर मैं आपके साथ होंगी। तब हमें वैसे वाला नहीं पता चलेगा, मगर अगर पूरी दुनिया में कल हो गई तो फिर हमारी तो वाई से मैं निकल चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ घर एंड जाके आपको दिखाती हूँ हाउ आई प्रेप फॉर माई फ्रेंड्स इफ्तार। ओके जी, घर में आ चुकी हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू द मार्ट एंड आई हैव टू गेट लाइक पालक और कुछ थोड़े से मुझे डिजर्ट्स लेने यहाँ से फॉर इफ्तार। एंड देन फिर मैं घर वापस जाऊँगी और ज्वाइन करूँगी नसीब को इफ्तार बनाने में। ओके, आई हैव टू गेट पालक एंड डिजर्ट्स। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। मुझे मेरी मॉम के लिए क्या मिला है, सॉल्ट एंड विनेगर फ्लेवर। अच्छा जी, सामान मैं ले चुकी हूँ। मैंने कुछ बेकरी की चीज़ें ली हैं, चिकन टिक्का पैरीज। मैं पैरीज नहीं खाती तो मैंने एक ही ली है अपनी दोस्त के लिए। एक्चुअली दोस्त नहीं, एक ही नहीं ली, मैंने दो लिए, एक नसीब के लिए ली एक उसके लिए ली है। देन मैंने एक स्प्रिंग रोल जैसी चीज़ ली है। फिर मैंने क्या लिया है, मैंने कुछ चिप्स लिए हैं। पालक मुझे लेनी थी, मुझे बहुत ही ना पुरानी टाइप की पालक मिली। इस पर से अब हमें सही पत्ते निकालने पड़ेंगे फॉर पकौड़े, बिकॉज पकौड़े मिक्स जो होते हैं वो पालक के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट होते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें मैं देखूंगी और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि क्या मुझे कुछ इन सारी घर की चीज़ों के बाद बाहर से ऑर्डर करना चाहिए या टाइम है अभी घर की बिरयानी बनाने का, बिकॉज टाइम बहुत कम रह गया इफ्तार में। और मैं अपनी फ्रेंड से बहुत अरसे के बाद मिल रही हूँ तो मेरा मकसद मेन खाना पीना तो चलो घर इफ्तार होता ही है लेकिन बातें करना है। प्यारे फ्लावर्स हैं, स्प्रिंग 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 गाइस। हेलो, हाय, मेरी दोस्त आई हुई है जिसको मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कंसेंट दोस्तों बहुत जरूरी है, लेकिन मैं उसकी तैयारी दिखा देती हूँ। मैंने कांटे वाली चाट बनाई है, पापड़ी उसके साथ, पाइन द स्काई से ब्राउनीज आई थी और क्रीम वाली फ्रूट चाट, नॉर्मल घर वाले पकौड़े। मैंने एक लकी से एक प्लेटर ऑर्डर किया था जिसमें ये सॉसेस थी, फ्राइज थे, उनके स्लाइडर्स हैं और ये विंग्स। ये मैं टिक्का पैटी लेके आई थी नीचे से पाइन द स्काई से अपनी फ्रेंड के लिए, स्प्रिंग रोल लेके आई थी, नगेट्स हैं, ये विंग्स हैं। और गेस व्हाट, हमें पता नहीं कहाँ से अफ्तारी आ गई बहुत सारी। सो ये उसमें चने आए हैं, दही फुल्कियाँ आई हैं, सैंडविचेस आए हैं, ये प्लेटर था पूरा। उसमें हमारे पास आई है बीफ चिली राइस, सम चिकन, एंड ये कोई सैलड सिचुएशन लग रही है, ये कोई नूडल्स हैं, ये दो किस्म की कोई डिज़र्ट्स हैं। सो हमारी जो है ना वो पार्टी हो गई है। ओए तुम्हारा ये भी तो है। सो ये बहुत टाइम से नाराज थी, फाइनली मान गई है मेरी मुन्नी। आ जाओ यहाँ से। बाय स्नोई। मेरी फ्रेंड होके चली गई है, देयर वाज अ लॉट ऑफ फूड एंड अफ्तार हमें बाहर से भी आ गया। फिर बिरयानी भी हमने मंगवा ली थी जो कि हमने टच भी नहीं की अभी। नसीब खाएगा बिरयानी जो मैंने उसके लिए भी मंगवाई थी, और हो सकता है मैं कल खा लूँ, आज तो कोई अब हिम्मत नहीं है। बट अभी मुझे जाते ही बिरयानी का मसाला बनाना शुरू करना है क्योंकि कल मुझे बिरयानी बनानी है ट्रांसमिशन में जैसे मैंने आपको बताया था। तो ऑफ कोर्स उसके लिए घर से मुझे मसाला बना के लेके जाना है, एंड सुबह तो कोई टाइम नहीं होता जब मैं निकल रही होती हूँ। अभी बस मैं बनाऊँगी बिरयानी का मसाला
और फिर थोड़ा सा हम करेंगे आराम। व्लॉग को मैं करूंगी यहीं पे एंड। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स में बता दे क्या देखना चाहते हैं। और आपसे मुलाकात होगी अब कल की ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह, जो कि शायद आखिरी हो या सेकंड लास्ट हो। विल सी। अल्लाह हाफिज़।